सोलदाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आग लगने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप, हादसे में कई लोग हुए घायल। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाने में जुटी। थाना जगदीशपुरा इलाके की घटना इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सोलदाने की फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप, हादसे में कई लोग हुए घायल। फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाने में जुटी। थाना जगदीशपुर इलाके की घटना है, जहां सोलदाने की फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह धू धू कर जल रही पूरी फैक्ट्री। और मौके पर कई गाड़ियां पहुंची फायर ब्रिगेड की, जिन्होंने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी है आगरा से। ममता, किस वजह से लगी पूरी आग? बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो फैक्ट्री है, जूते के जो सोल बनाने की जो फैक्ट्री है, इसमें देर रात्रि को ये आग लग गई है, जहां पर काफी नुकसान हो गया है। और जिस तरह आप बात की जाएगी, ये क्या कुछ कारण रहा आग लगने का, वजह क्या रही, तो अभी फिलहाल कोई वजह अभी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई है। जी, कितने लोग घायल हुए इस हादसे में ममता? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह घायल की सूचना है, अभी फिलहाल कोई इस तरह की सूचना नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री रात फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद नहीं था। एक जो गेटमैन था वो बाहर था, उसने उसकी जान बच गई है और उसको किसी तरह की कोई भी उसको नुकसान नहीं हुआ है। जिस तरह की देखा जा रहा है कि लगातार इसमें एक साल पहले भी इस तरह ही आग लग गई थी, और ये पूरे रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री है। आपको बता दूं कि थाना जगदीशपुरा के पुलक विहार कॉलोनी है, वहां की ये पूरी घटना है। तो देखा जा रहा है कि जिस तरह दर्जनों गाड़ियों ने कुछ सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए, हर बार इस तरह से आग लगती है और कई लोगों की जो जान है उस पे खतरा मंडराता रहता है, लेकिन इसके बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह की पहले मैंने बताया कि जिस तरह पहले एक साल पहले भी इसमें आग लगी थी, उसके बावजूद भी इस पर कोई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिससे कि इस दोबारा से इस जैसे कि रिहायशी इलाके, मैंने कहा कि रिहायशी इलाके में कि फैक्ट्रियों का होना नहीं चाहिए। इस तरह साफ तौर से देखा जा रहा है कि जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ आगरा से संवाददाता ममता जुड़ी थी। तो आग लगने की खबर सामने आई है, जहां ये पहले भी आग लग चुकी है, लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो इस पे मौन साधे हुए हैं और लापरवाही साफ तौर से देखने को मिल रही है। कई प्रदेशों के डीजीपी आज अयोध्या के दौरे पर, यूपी डीजीपी मुकुल गोयल करेंगे दर्शन पूजन। श्री राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक आज, मुकुल गोयल परिसर की सुरक्षा का लेंगे जायजा। सुरक्षा से संबंधित सभी अधिकारी रहेंगे मौजूद, आईबी के उच्च अधिकारी रहेंगे बैठक में मौजूद। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कई प्रदेशों के डीजीपी आज अयोध्या के दौरे पर, यूपी डीजीपी मुकुल गोयल करेंगे दर्शन पूजन। श्री राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक, मुकुल गोयल परिसर की सुरक्षा का लेंगे जायजा। सुरक्षा से संबंधित सभी अधिकारी भी रहेंगे मौजूद, आईबी के उच्च अधिकारी रहेंगे बैठक में मौजूद। इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं अयोध्या से। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके आपको बता दें कि अयोध्या में डीजीपी मुकुल गोयल के साथ में आईबी चीफ हैं, और उसके बाद प्रदेश के कई डीजीपी मौजूद हैं, जो कि राम जन्मभूमि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के वहां पे चर्चा की जा रही है। बैठक का दौर चल रहा है और देखते हैं उसके बाद अभी क्या निकल के आ रहा है सामने, कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद सुरक्षा रहेगी और अयोध्या को किस तरीके की सुरक्षा चाहिए, राम जन्मभूमि को किस तरीके की सुरक्षा देना है, इसके लिए सारी बैठक चल रही है। जी वाली है, इससे संबंधित क्या कुछ जानकारी आपके पास? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता जुड़े थे। रायबरेली में पेड़ों पर चलाया गया आरा, रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। जोरों पर थाना क्षेत्र में अवैध कटान, पेड़ की लकड़ियों से लदी दौड़ रही ट्रैक्टर ट्रॉलियां, पुलिस कर्मियों द्वारा पैसे लेकर निकाली जाती है ट्रॉलियां।
पैसे लेते हैं पुलिसकर्मी का वीडियो कैमरे में हुआ क्या, तस्वीरें देख सकते हैं आप। हरचंदपुर थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में पेड़ों पर चलाई जा रही आरियां। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जोरों पर थाना क्षेत्र में अवैध कटान। पेड़ की लकड़ियों से लदी दौड़ रही ट्रैक्टर ट्रॉलियां, बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिसकर्मियों द्वारा पैसे लेकर निकाली जाती है ट्रॉलियां। पैसे लेते पुलिसकर्मी का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। हरचंदपुर थाना क्षेत्र का मामला आया सामने। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक, आपकी आवाज को धार देते हैं हम। बात भ्रष्टाचार की हो या बढ़ते अपराध की, सच दिखाने का रखते हैं दम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम।